एक बार बताएं मुझे, क्या अब आप मुझे देख पा रहे हैं? टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? आप मुझे देख पा रहे हैं अब? प्लीज मेक इट कंफर्म। आर यू एबल टू सी मी? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं भैया? प्लीज कंफर्म, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं गड़बड़ हो रही है। इट्स प्लेइंग सर। ओके ओके ओके, या देयर इज अ टेक्निकल इश्यू, आई डोंट नो, बिकॉज आज से स्कूल्स ओपन हुए तो बहुत ज्यादा वर्कलोड रहा है नेट पर भी, और सम हाउ इट इज जस्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम। आई डोंट नो वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स। मुझे लग रहा है स्कूल खुल गए हैं, शायद सभी कहीं बिजी ना हो गए हों। सो एक बार टाइम पर हम लोग डिस्कस करें इन लोगों से। अब आ गई है। ओके, तो कैसे बात करें भाई आमने सामने? जूम पर वो लोग आते नहीं हैं। हाउ कैन वी टॉक? शायद यही स्थिति है। आज दो लोग हैं केवल क्लास में, तो आई डोंट नो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ये, आज लास्ट क्लास हो जाती, कल के लिए थोड़ा सा बचता, और कल हम जो है मॉडर्न नॉवलिस्ट की शुरुआत करेंगे। चलिए क्लास देख लेते, हो सकता अंत तक बात तक वो आ जाए, फिर एक बार मैं उनसे पर्सनली कॉल करके देन आई टॉक टू देम। ओके चलिए एक बार दोबारा से कर लेता हूँ। मैंने जब शुरू किया था एंटोनी ट्रिलोप हम पढ़ रहे थे, उसमें जो लास्ट हमने पढ़ लिया था, आज जो हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका जो इम्पोर्टेंट नोवेल है क्रॉनिकल ऑफ बारसेट सायर, ये एक सीरीज है। आई हैव टोल्ड यू दैट ही हैज जस्ट रिटन टू सीरीज एंड दिस सीरीज कंटेन सिक्स नोवेल्स। इस सीरीज में लगभग छः नोवेल्स हैं, लगभग टोटल छः नोवेल्स हैं। दिस सीरीज वॉज पब्लिश बिटवीन 1855 टू 1864। These six novels are Warden, Barchester Towers, Dr. Tron, or Framley Parsonage, The Small House at Ellington, 1864, right? So first novel, the most important novel is, one of the most important novels is Warden, 1855. It was published in 1855 and is the first book in Antoni Trilope's Chronicles of Barsetshire. ये Barsetshire Chronicles की पहली सीरीज है, पहला नोवेल है। इट वॉज हिज फोर्थ नोवेल, और वैसे टोटल में से इसका चौथा नोवेल है, राइट? द वार्डन कंसर्न्स मिस्टर सेप्टिमस हार्डिंग, द मीक एल्डरली वार्डन ऑफ हिरम्स हॉस्पिटल एंड यू नो प्री सेंटर ऑफ बारचेस्टर कैथेड्रल। जो इसमें वार्डन होता है, इसमें एक हॉस्पिटल होता है, एल्म्स हाउस नाम का एक हॉस्पिटल होता है, दैट इज सपोर्टेड बाई सम चैरिटेबल सम पीपल चैरिटेबल ट्रस्ट, राइट? और बिग वेस्ट ऑफ द यू नो डायोसिस ऑफ बारचेस्टर, जो वहाँ के कुछ धनाढ्य लोग थे, दे जस्ट यू नो गिव चैरिटी टू दैट हॉस्पिटल। और इस हॉस्पिटल का जो वार्डन था वो स्पेशली जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर सेप्टिमस हार्डिंग है। द इनकम मेंटेन्स द एल्म्स हाउस इटसेल्फ, सपोर्ट्स इट्स 12 बीट्समैन एंड इन एडिशन प्रोवाइड्स ए कम्फर्टेबल अबोर्ड एंड लिविंग फॉर इट्स वार्डन। जो मतलब जो इसका इनकम है, जो इसकी चैरिटी से इनकम आती है, दैट सपोर्ट्स 12 बीट्समैन एंड वार्डन वार्डन्स फैमिली ऑल्सो, इट प्रोवाइड्स कम्फर्टेबल फैमिली टू वार्डन। मिस्टर हार्डिंग वॉज अपॉइंटेड टू दिस पोजिशन थ्रू द पैटर्नेज ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड द बिशप ऑफ बारचेस्टर, राइट? हु इज ऑल्सो द फादर ऑफ यू नो आर्कडियन ग्रैंटली, टू हूम हार्डिंग्स ओल्डर डॉटर सुजेन इज मैरिड। एक जो आर्क डिकॉन है उसका भी वो क्या कहते हैं एक तरह से पैटर्न है, एंड दैट फैमिली इज लिंक टू वार्डन बिकॉज वार्डन्स एल्डर डॉटर इज मैरिड टू दैट फैमिली, राइट? द वार्डन हु लिव विद हिज रिमेनिंग चाइल्ड, अब वार्डन की एक बेटी की शादी हो गई है, बट ही लिव विद अनदर चाइल्ड एंड हर नेम वॉज एलिनॉर, परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज यू नो कॉन्शियसली। वो पूरी तरह से अपनी ड्यूटी जो है बहुत अच्छे तरीके से निभाती है, राइट? द स्टोरी कंसर्न्स द इम्पैक्ट अपॉन हार्डिंग एंड हिज सर्किल व्हेन ए जीलियस यंग रिफॉर्मर जॉन बोल्ड लॉन्चेस अ कैंपेन टू एक्सपोज द
disparity in the appointment or sorry apportionment of charity's income between its object, the bidsman, and its officer, Mr. Harding. अब जो स्टोरी है, नाउ स्टोरी टर्न्स बिकॉज हार्डिंग और उसके सर्किल में एक व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम जॉन बोल्ड होता है, एंड ही लॉन्चेज अ कैंपेन. इट मीन्स ही स्टार्टेड टू यू नो डिफेम द हॉस्पिटल, द एक्सपोज द डिस्पेरिटी इन द यू नो अबोर्शनमेंट ऑफ द अपोर्शनमेंट ऑफ द चैरिटीज इनकम बिटवीन इट्स ऑब्जेक्ट द बीट्समैन एंड इट्स ऑफिसर मिस्टर हार्डिंग. मतलब इन सब के बीच में जो किस तरह से वो डिवीजन है उसको लेकर के वो कैंपेन शुरू कर देता है. ठीक, मिस्टर हार्डिंग जॉन बोल्ड एम्बार्क्स ऑन दिस कैंपेन इन ए स्पिरिट ऑफ पब्लिक ड्यूटी डिस्पाइट हिज रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट विद एलिनोर. दो ही वॉज रोमांटिकली ही वॉज इन्वॉल्व विद एलिनोर एंड प्रीवियसली कॉर्डियल रिलेशन विद मिस्टर हार्डिंग. मतलब हार्डिंग के साथ भी उसके साथ बड़े कॉर्डियल रिलेशन थे और एलिनोर से वो रोमांटिकली इन्वॉल्व था. स्टिल ही लॉन्च दिस कैंपेन एंड ही स्टार्ट्स टू डिफेम द यू नो हॉस्पिटल और द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. बोल्ड स्टार्ट्स अ लॉसूट एंड मिस्टर हार्डिंग इज एडवाइज्ड बाय इनडोमिटेबल डॉक्टर ग्रैंटली हिज सन इन लॉ टू स्टैंड हिज ग्राउंड. अब बोल्ड जो है एक केस दायर कर देता है, लेकिन जो मिस्टर हार्डिंग को उसका जो दामाद है वो उसको सजेस्ट करता है देन ही शुड स्टैंड ऑन हिज ग्राउंड. उसको अपने ग्राउंड पे स्टैंड रहना चाहिए. बोल्ड अटेम्प्ट्स टू एनलिस्ट द सपोर्ट ऑफ द प्रेस एंड एंगेज द इंटरेस्ट ऑफ द जुपिटर. ये न्यूज़पेपर है जो उस समय जुपिटर द न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द टाइम्स हुज एडिटर टॉम टॉवर्स पेंस एडिटोरियल सपोर्टिंग रिफॉर्म ऑफ चैरिटी एंड प्रेजेंटिंग ए पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर हार्डिंग एज ए सेल्फिश एंड यू नो डेयरलिक्ट इन हिज कंडक्ट ऑफ हिज ऑफिस. अब उसमें जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल कॉलम लिखता है वो टॉम टॉवर्स लिखता है. जस्ट ही ब्लेम्स वार्डन ब्लेम्स जस्ट वार्डन फॉर बींग सेल्फिश एंड बींग डेयरलिक्ट इन हिज कंडक्ट. राइट, दिस इमेज इज टेकन अप बाई यू नो कमेंटेटर्स डॉक्टर पेसिमिस्ट एंटीकेंट एंड मिस्टर पॉपुलर सेंटीमेंट. ये दो लोग जो हैं कमेंटेटर्स हैं तो इस इमेज पर वो लोग बहस करते हैं. वो है बीन सीन एज कैरिकेचर्स ऑफ थॉमस कार्लाइल एंड चार्ल्स डिकेंस रेस्पेक्टिवली, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये थॉमस कार्लाइल और चार्ल्स डिकेंस ने जो है क्रिएट किए हैं. राइट, अल्टीमेटली डिस्पाइट मच यू नो ब्रो बीटिंग बाई सन इन लॉ द यू नो आर्कडिकॉन एंड द लीगल ओपिनियन सॉलिसिटेड फ्रॉम द बैरिस्टर सर अब्राहम हैपेजर्ड मिस्टर हार्डिंग कंक्लूड दैट ही कैन नॉट इन गुड conscience continue to accept such generous remuneration and resigns his office. अंत में वो समझ जाता है कि भाई वो इस तरह की जो है remuneration को नहीं ले सकता जिसमें इतना बड़ा विवाद हो, and he resigns his office. John Bold, who has appealed in vain to Tom Tower, John Bold ने Tom Tower से appeal की थी, वो बेकार गई, to redress the injury to Mr. Harding, returns to Barchester where he marries Eleanor after halting legal proceedings. So legal proceedings के बाद में वो जो है एलिनोर से शादी कर लेता है. राइट, दोज ऑफ द बीट्समैन ऑफ द हॉस्पिटल हु हैव अलाउड देयर एपेटाइट फॉर ग्रेटर इनकम टू एस्ट्रेंज देम फ्रॉम द वार्डन आर रिप्रूव्ड बाय देयर सीनियर मेंबर. दोज ऑफ द बीट्समैन ऑफ द हॉस्पिटल हु हैव अलाउड देयर एपेटाइट फॉर ग्रेटर इनकम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा जो उसके मतलब जो ट्रस्टी थे जो उसका लाभार्थी थे वो उससे बहुत सारी इनकम लेते थे फ्रॉम द वार्डन एस्ट्रेंज देम फ्रॉम द वार्डन आर रिप्रूव्ड बाई देयर सीनियर मेंबर. जो उनके सीनियर मेंबर हैं उनको वहाँ से हटा देते हैं, जिसमें उनका नाम बोन्स होता है, हु हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली लॉयल टू हार्डिंग, हुज गुड केयर एंड अंडरस्टैंडिंग हार्ट आर नाउ लॉस्ट टू देम. मतलब जो हार्डिंग का जो है लॉयल था एंड हुज गुड केयर एंड अंडरस्टैंडिंग जिसकी देखभाल और जिसकी समझदारी थी, अंडरस्टैंडिंग हार्ट आर नाउ लॉस्ट टू देम, क्योंकि ही हैज लॉस्ट द फेथ इन देम. एट द एंड ऑफ द नोवेल द बिशप डिसाइड्स दैट द वार्डनशिप ऑफ हिरम्स हॉस्पिटल बी लेफ्ट वेकेंट. और अंत में डिसाइड करते हैं कि इसका वार्डन किसी को नहीं बनाया जाएगा एंड नन ऑफ द बीट्समैन आर ऑफर्ड द एक्स्ट्रा मनी डिस्पाइट द वैकेंसी ऑफ द पोस्ट. और किसी भी बीट्समैन को इसके लिए पैसा नहीं दिया जाएगा. मिस्टर हार्डिंग ऑन द अदर हैंड बिकम्स रेक्टर ऑफ सेंट यू नो कथबर्ट्स, एक चर्च में वो रेक्टर बन जाता है, स्मॉल पैरिश नियर द कैथेड्रल क्लोज, ड्रॉइंग अ मच स्मॉलर इनकम देन बिफोर. अब उसे थोड़ी पैसा कम मिलता है जितना पहले मिलता था, लेकिन स्टिल ही लिव्स अ ऑनेस्ट एंड यू नो सिंसियर लाइफ. ये छोटा सा नॉवल था वार्डन का. और नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बारचेस्टर टावर.
जो एंटोनी ट्रलॉप का बेस्ट नोन नॉवल है, इट इज अ सेकेंड नॉवल, सेकेंड होता है और वैसे फिफ्थ नॉवल है सीरीज नोन एज द क्रॉनिकल्स ऑफ बारसेक्साय। अमंग अदर थिंग्स इट सेटराइजेज द देन रेगिंग एंटीपैथी इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड बिटवीन हाई चर्च एंड एवेंजेलिकल यू नो एडहेरेंट। अब जो इसमें था, देर वॉज अ डिस्कशन, देर वॉज अ यू नो अपोजिट थॉट और इनमें से एंटीपैथी इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, इन दोनों को लेकर के एक विवाद था। बारचेस्टर टावर्स कंसर्न्स द लीडिंग क्लर्जी ऑफ द कैथेड्रल सिटी ऑफ बारचेस्टर द मच लव्ड बिशप हैविंग डाइड, ऑल एक्सपेक्टेशंस आर दैट हिज सन, जिसका नाम आर्कडीकन ग्रेंटली होता है, विल सक्सीड हिम। अब जो सिस्टम क्या है कि जो बिशप होता है, जो बहुत प्रसिद्ध था, उसकी डेथ हो चुकी होती है एंड All expectations are that his son, उसकी सारी उम्मीद जो था उसका बेटा होता है जिसका नाम होता है आर्कडीकन ग्रेंटली। एक मिनट में, हेलो, क्लास चल रही मेरी? हाँ, मैं 5:30 के आसपास कर रहा हूँ क्लास, सॉरी। ओके भाई, तो उसका बेटा जो होता है जिसका नाम आर्कडीकन ग्रेंटली होता है, वो उसका उत्तराधिकारी होता है। इंस्टीड ओइंग टू द पैसेज ऑफ द पावर ऑफ पैटर्नेज टू अ न्यू प्राइम मिनिस्टर अ न्यू कमर द फार मोर इवेंजेलिकल बिशप यू नो प्राउडली गेन्स द सी। नाउ इन स्पाइट ऑफ हैविंग और इंस्टीड ओइंग टू द पैसेज, उसके पास रास्ता था टू गो इन द पावर टू अ न्यू प्राइम मिनिस्टर बिकॉज न्यू प्राइम मिनिस्टर वॉज इन द फेवर ऑफ दैट पर्सन, बट अ न्यू कमर द फार मोर इवेंजेलिकल बिशप, लेकिन जो नया बिशप होता है जो इवेंजेलिकल होता है इसका नाम प्राउडी होता है, गेन्स द सी, वो उस सीट को उस स्थान को प्राप्त कर लेता है। हिज वाइफ मिसेज प्राउडी एक्सरसाइज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द न्यू बिशप, वो जो है नए बिशप पर पूरा मतलब प्रभाव डालती है, मेकिंग हरसेल्फ एज वेल एज बिशप अनपॉपुलर विद मोस्ट ऑफ द क्लर्जी ऑफ द डायोसिस, और वो जो है विद बिशप सी ऑल्सो बिकम्स अनपॉपुलर, इट मीन्स दे कुड नॉट गेट द फेम, हर इंटरफेरेंस टू वीटो द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द यूनिवर्सली पॉपुलर मिस्टर सेप्टिमस हार्डिंग, वही क्योंकि सीरीज है तो इसलिए कैरेक्टर्स वही हैं, प्रोटोगोनिस्ट ऑफ ट्रलोपेज अर्लियर नोवल जो मिस्टर सेप्टिमस होता है वार्डन में, एज वार्डन ऑफ हिरम्स हॉस्पिटल इज नॉट वेल रिसीव। अब रीअपॉइंटमेंट ऑफ द यूनिवर्सली पॉपुलर, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति था मिस्टर सेप्टिमस हार्डिंग, उसको रीअपॉइंटमेंट करने के लिए वो इंटरफेरेंस करती है, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करती है, राइट, बट बिकॉज ही वॉज नॉट वेल रिसीव इवन दो सी गेव द पोजिशन ऑफ ए नीडी क्लर्जी मैन मिस्टर क्वीवर फुल विद 14 चिल्ड्रन टू सपोर्ट। अब जब वो नहीं मिलता तो एक नए बिशप को एक पोजिशन दे देती है जिसका नाम होता है मिस्टर क्वीवर फुल, और जिसके 14 बच्चे होते हैं, ही वॉन्टेड टू सपोर्ट द चिल्ड्रन। इवन लेस पॉपुलर देन मिसेज प्राउडी इज द बिशप्स न्यूली अपॉइंटेड चैपलिन द हाइपोक्रिटिकल एंड सिकोफेंटिक मिस्टर यू नो ओबडिया स्लॉग, हु डिसाइड्स इट वुड बी एक्सपेडियंट टू मैरी हार्डिंग्स वेल्दी विडो डॉटर। उसकी जो एलिनर है, एलिनर बोल्ड जो है, वो विधवा हो गई थी, मतलब इस नोवल में विडो दिखाई जाती है, तो जो हाइपोक्रिटिकल और यू नो साइकोफ्रेंटिक जो मिस्टर ओबडिया स्लोप होता है, मतलब ही इज न्यूली अपॉइंटेड चैपलिन, सो ही थिंक्स और ही डिसाइड्स इट वुड बी एक्सपेडियंट टू मैरी हार्डिंग्स वेल्दी विडो डॉटर एलिनर बोल्ड एंड होप्स टू विन हर फेवर बाई इंटरफेयरिंग इन द कंट्रोवर्सी ओवर द वार्डनशिप। वार्डनशिप की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उस पर वो मतलब इंटरविन करके वो उसके उसको विन करना चाहता था। द बिशप और रादर मिस्टर स्लोप अंडर द ऑर्डर्स ऑफ मिस्टर प्राउडी ऑल्सो ऑर्डर्स द रिटर्न ऑफ यू नो प्री पेंड्री टू डॉक्टर विसे यू नो स्टेनहोप फ्रॉम इटली। अब द बिशप और रादर जो मिस्टर स्लोप होता है अंडर द ऑर्डर्स ऑफ मिस्टर प्राउडी, प्राउडी वॉज द चीफ यू नो क्लर्जी मैन और इनमें से बिशप, so under his order also orders to return to the you know prebendary to Vise Stanhope from Italy. Dr. Stanhope has been there recovering from a sore throat for 12 years and has spent his time catching butterflies. Ab Dr. Stanhope jo Italy mein reh raha tha, matlab reh rahe the, he was just getting recovered from his sore throat for 12 years, 12 saal se wo wahan the, 12 saal se he was just recovering from his sore throat. Right. With him to the cathedral close come his wife and
his 3 adult children. जब वो इटली से लौट कर आता है तो उसके बाद उसकी वाइफ और 3 बच्चे आते हैं. The younger of Dr. Stanhope's 2 daughters causes, you know, consternation in the palace and threatens the plans of Mr. Sloane. Signora, you know, Madeline, we say, Neroni is a crippled serial flirt with a young daughter and a mysterious Italian husband whom she has left. इनके साथ में जो और लोग आते हैं, अब जो उसकी younger of Dr. Stanhope's 2 daughters, उसकी दोनों बेटियों में जो छोटी बेटी होती है, causes consternation in the palace and threatens the plans of Mr. Sloane. Mr. Sloane के प्लान को चौपट कर देती है स्लोप. सिग्नोरा मेडिलिन वैसे नेरोनी इज क्रिपल्ड सीरियल फ्लर्ट विद अ यंग डॉटर. अब इसमें जो सिग्नोरा मेडिलिन है वो उसकी छोटी बेटी के साथ, मतलब बेटी के साथ जो है फ्लर्ट करता है मिस्टीरियस इटालियन हस्बैंड हुम सी हैज लेफ्ट. उसकी एक इटालियन पत्नी होती है जिसको छोड़ कर आता है. मिसेस प्राउडी इज अपेल्ड बाई हर एंड कंसिडर्स हर एन अनसेफ इन्फ्लुएंस ऑन हर डॉटर. अब मिसिस प्राउडी जो है वो बड़ी अपेल्ड होती है, आश्चर्यचकित होती है. एंड सी थिंक्स दैट सी थिंक्स हर डॉटर्स आर अनसेफ इन्फ्लुएंस ऑन हर डॉटर्स हर सर्वेंट्स एंड मिस्टर स्लोप. मतलब वो सबको जो है अनसेफ मानती है. मिस्टर स्लेप इज ड्रोन लाइक ए मोथ टू ए फ्लेम एंड कैन नॉट कीप अवे. मतलब वो एक इस तरह से एक ऐसी फ्लेम था जिसको हम दूर नहीं रख सकते थे. राइट भाई, इसी को कंप्लीट करेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता केवल दो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं. तो लेट मी चेक, एक बार मैं सबसे बात कर लेता हूँ फिर इसका टाइम, अगर किसी की टाइम के प्रॉब्लम है देन आई कैन गो फॉर चेंज. राइट, डॉक्टर स्टैनहोप सन आई नो बैटरी इज स्किल्ड एट स्पेंडिंग मनी बट नॉट मेकिंग इट. उसका जो बेटा होता है बैटरी, वो खूब पैसा खर्च करता है बट नॉट एट मेकिंग इट, कमाता नहीं. हिज टू सिस्टर्स थिंक मैरिज टू रिच एलिनॉर गोल्ड will provide financial security for him. अब उसकी दो बहनें सोचती थी कि यदि उसकी शादी एलिनॉर बोल्ड से हो जाए तो उसे थोड़ी सिक्योरिटी मिलेगी, ही विल बी फाइनेंशियली सिक्योर. समन्ड बाई यू नो आर्क डिकॉन ग्रैंटली टू असिस्ट इन द वॉर अगेंस्ट द प्राउडीज एंड मिस्टर स्लोप इज द ब्रिलियंट रिवरेंट फ्रांसिस एप्लाइड. अब क्या होता है कि जो आर्क डिकॉन ग्रैंटली है वो अपनी अपनी सहायता के लिए जो है इन द वॉर अगेंस्ट प्राउडीज एंड मिस्टर स्लोप के खिलाफ जो वो उनके बीच में जो द्वंद्व चल रहा था वो एक ब्रिलियंट रिवरेंट फ्रांसिस एरेबिन को बुलाता है. मिस्टर एरेबिन इज कंसिडरेबल स्कॉलर, वो एक विद्वान होता है, फेलो ऑफ लेजरस कॉलेज एट ऑक्सफोर्ड, हु नियरली फॉलोड हिज मेंटर जॉन हेनरी न्यूमैन. जॉन हेनरी न्यूमैन वॉज ए राइटर एंड यू नो क्लर्जी मैन ऑल्सो, तो उसका मेंटर होता, मतलब उसका जो है शिष्य होता है इन टू द रोमन कैथोलिक चर्च. ठीक है, a massive misunderstanding occurs between Eleanor and her father, brother-in-law and sister and Mr. Appel. ab in sab ke beech mein ek galat fehmi paida ho jati hai. they all believe she intends to marry the oily chaplain Mr. Sloane. un sabko laga ki wo Mr. Sloane se shaadi karna chahti hai. Mr. Arabin is attracted to Eleanor. ab Mr. Arabin jo hai wo Eleanor ki taraf attract hota hai, but the efforts of Grantley and his wife to stop her marrying Sloane also interfere with any relationship that might develop. अब जो उनका जो इंटरफेरेंस था ग्रैंडली फैमिली का और उसकी पत्नी का, वो नहीं चाहते थे कि उसकी शादी जो है स्लोप से हो. एट द यू नो एलाथ्रॉन गार्डन पार्टी ऑफ द थॉर्न मैटर्स कम टू अच हेड. मिस्टर स्लोप प्रपोजिज टू मिसेस बोल्ड. अब मिस्टर स्लोप जो है वो प्रपोज करता है मिसेस बोल्ड को एंड ही स्लैप फॉर हिज प्रिजुम्पशन, और गलत फहमी के उसको थप्पड़ पड़ता है. बिट्री गोज थ्रू द मोशंस ऑफ द प्रपोजल टू एलिनोर. अब बिट्री जो है वो भी इसको प्रपोज करता है एंड इज रिफ्यूज, उसको भी मना कर दिया जाता है विद गुड ग्रेस, बड़ी सभ्यता से. एंड द सिग्नोरा हैज ए चैट विद मिस्टर एरेबिन. अब इसी बीच में सिग्नोरा मिस्टर एरेबिन के साथ चैट करता है, बात करता है. सिग्नोरा ड्रॉप्स अ डेलिकेट वर्ड इन सेवरल ईयर्स. वो कई कानों में बहुत छोटे, मतलब कुछ डेलिकेट शब्द बोलता है. एंड विद द रिमूवल ऑफ देयर मिसअंडरस्टैंडिंग मिस्टर एरेबिन एंड एलिनॉर बिकम एंगेज. और जब उनकी गलतफहमी खत्म हो जाती है तो मिस्टर एरेबिन और एलिनॉर दोनों एंगेज हो जाते हैं. द ओल्ड डीन ऑफ द कैथेड्रल हैविंग डाइड, क्योंकि जो पुराना डीन होता है वो मर चुका होता है. मिस्टर स्लोप कैंपेन टू बिकम डीन, वो डीन बनने की कोशिश करता है, बट मिस्टर हार्डिंग इज ऑफर्ड द प्रेफरमेंट. लेकिन मिस्टर हार्डी को पहले प्रायोरिटी दी जाती है विद अ ब्यूटिफुल हाउस इन द क्लोज एंड 15 acres ऑफ गार्डन. 15 acres का गार्डन और एक बढ़िया सा घर दिया जाता है उसको संभालने के लिए. मिस्टर हार्डिंग कंसिडर्स हिमसेल्फ अनसुटेबल, लेकिन मिस्टर हार्डिंग अपने आप को अनुचित मानता है. विद द हेल्प ऑफ द आर्क डिकॉन अरेंज दैट मिस्टर एरेबिन बी मेड डीन.
लेकिन जो आर्क डिकॉन के कहने पर मिस्टर एलेविन को डीन बना दिया जाता है। ठीक है, ये लास्ट है भाई, विद द स्टैन होप्स रिटर्न टू इटली, जो स्टैन होप वापस इटली चला जाता है। लाइफ इन कैथेड्रल क्लोज रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस फाइट, और जो कैथेड्रल क्लोज में जो जीवन था वो जैसा पहले चल रहा था ऐसे ही शुरू हो जाता है। एंड सेटल्ड वेज एंड मिस्टर हार्डिंग कंटिन्यूज हिज लाइफ टू जेंटलनेस एंड म्यूजिक, वो बेचारा आराम से अपने जीवन को जीता है। भाई सबसे पहली बात है कि केवल दो लोग हैं, एक मैं और दो लोग, एक डॉक्टर अर्चना जी और फरीद। बाकी मैं सबसे बात कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आज ख़त्म करना था लेकिन वो कल ख़त्म हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब इनकी क्या स्थिति है, अगर टाइम की कोई बात है तो मैं टाइम ग्रुप में डाल दूंगा, कोई अपनी बात क्या बताता नहीं है, अगर बता दे तो कम से कम वी कैन कंसीडर। ओके, तो मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, ये ख़त्म हो गया है ट्रॉपिक। कल जो है नेक्स्ट हम शुरू करेंगे बेंजामिन डिज़राइली, तीन राइटर छोटे छोटे बच्चे हुए हैं जो कल ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो प्लीज़ आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं एक बार अपने मैसेज में डाल दें, सो दैट आई कैन गेट द थिंग्स एंड आई कैन मैनेज द टाइम। मैं एक बार सबसे बात कर लेता हूँ और पूछ लेता हूँ भाई अब क्या चाहते हो, कोई भी क्लास में नहीं है। ओके, चलिए